नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो वी न्यूज। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार। ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, न्यूज के तहत सभी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें जो भारत के हर नागरिक को जाननी बेहद जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको आपकी काम की सभी बड़ी खबर बताई जाती है, तो आप अपने काम की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपको काम की खबर का नोटिफिकेशन मिल सके। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि भारी बारिश से बेहाल बिहार और असम में जनजीवन पूरी तरह से ठप, बाढ़ में बह गए लोगों के घर। जी हाँ दोस्तों, बिहार और असम में बाढ़ का कहर मंगलवार से ही जारी है और दोनों राज्यों में इससे मरने वाले लोगों की संख्या 55 हो गई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में भी 14 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं केरल में बेहद भारी बारिश की वजह से भविष्यवाणी के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ के कारण इन राज्यों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों के पीड़ितों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपया मुआवजा कराने का आदेश दिया है। बिहार में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की करीबन 19 टीमें तैनात कर दी गई हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को हर संभव मदद करने का ऐलान किया है। राज्य में अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके कारण 16 जिलों में लगभग 26 लाख लोग प्रभावित हैं। जी हां दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि 7वां वेतन आयोग रेलवे कर्मचारियों को बल्ले बल्ले 21,000 रुपए तक आएंगे उनके खाते में। जी हां दोस्तों, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लाखों रेल कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के अफसरों और कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों की मंजूरी दे दी है। इसमें से कर्मचारियों को 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का सालाना वेतन के अतिरिक्त उनको मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है। रेलवे कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस भत्ते की मांग कर रहे थे, लेकिन रेलवे बोर्ड ने साफ कर दिया है कि ये भत्ता 2017 से दिए जा रहे हैं, लेकिन ये अलाउंस सभी को नहीं मिलेंगे। इसमें से आरपीएफ के अफसर, स्टेशन मास्टर, रफिंग स्टाफ, स्टाफ कार ड्राइवर, एमटीएस और नर्स शामिल है। जो भत्ते मिलेंगे आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि व्हाट्सएप लाएगा आपको और करीब, जल्द शुरू करेगा हमारी जिंदगी से जुड़ी अहम सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप भारत में जल्द पेमेंट सर्विसेज शुरू करने वाला है। बस एक साल में इसके बीटा वर्जन की ट्रेनिंग कर रहा है। NCPI ने मंजूरी न मिलने के कारण यह सर्विस अब तक शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन कंपनी ने अब RBI से मंजूरी लेने के लिए रिपोर्ट तैयार कर ली है, ऐसा दावा एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है। इसमें दावा किया गया है कि व्हाट्सएप की मंजूरी लेने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिटर की मदद लेनी होगी। इसमें बताया जा रहा है कि भारतीयों को डाटा स्थानीय स्तर पर स्टोर होगा, सर्वर भारत में ही लगाए जाएंगे। इस मुद्दे पर व्हाट्सएप ने अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं दी है। लेकिन जी हां दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि लड़ाकू विमान रफाल के पुर्जे बनाना सीखेंगे 30,000 युवा, सरकार देगी ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रफाल लड़ाकू विमान सौदे की खरीद के ऑफसेट अनुबंध से भारत के युवाओं को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने कहा है कि इस संबंध के तहत रफाल जेट के निर्माता कंपनी करीब 30,000 युवाओं का कौशल विकास करेगी और उन्हें रफाल के पुर्जे बनाने के प्रशिक्षण देगी। इस ट्रेनिंग का आयोजन सरकार की मदद से किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान फ्रांस की कंपनी द एविएशन ने IIT नागपुर के साथ एरोस्पेस फीचर का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के समझौते पर भी हस्ताक्षर कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ऑफसेट में मिलने वाले धन का इस्तेमाल प्रशिक्षण कार्यों के लिए किया जाएगा। इस संबंध में दास के साथ समझौते पर भी अब हस्ताक्षर किए गए हैं। यहां दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि 499 रुपए से ज्यादा के रिचार्ज पर जियो और एयरटेल दे सकती है 250 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। जी हां दोस्तों, देश की दो दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो और एयरटेल कंज्यूमर गुड्स सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ समझौते को लेकर के बातचीत के दौर में है। अगर डील फाइनल हो जाती है तो रिलायंस जियो और एयरटेल की ओर से ग्राहकों के रिचार्ज पर डिस्काउंट वाउचर दिया जा सकता है। आपको बता दें कि डील फाइनल होने पर दोनों टेलीकॉम कंपनियों के लिए कमाई का नया रास्ता खुल जाएगा। दोनों टेलीकॉम कंपनी अभी ग्राहकों के साथ बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही है। समझौते को लेकर के दोनों कंपनियां HUL से बातचीत कर रही है। इस डील में HUL को फायदा मिलेगा, जो क्लाउड बेस्ड एनालिटिक्स के जरिए ग्राहकों के मिजाज मापने की कोशिश कर रही है। जी हां दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि देश में दूध का कारोबार बढ़ाने के लिए सरकार बना रही है राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र। जी हां दोस्तों, भारत में डेयरी उद्योग को बढ़ाने तथा देसी नस्ल के संरक्षण और विकास के लिए सरकार राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र बना रही है। इस योजना के तहत यहां एक तरफ भारत में दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ लोगों को दुधारू जानवरों के बारे में जागरूक किया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि वे किस तरह से अपने जानवरों को स्वस्थ रख सकते हैं। सरकार देसी नस्ल के संरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से देश के 2 राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र भी स्थापित करेगी। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र पहला दक्षिणी क्षेत्र में चिंतल देवी ननौर में और दूसरा उत्तरी क्षेत्र इटारसी होशंगाबाद में है। आपको बता दें कि दोनों ही राज्य आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को 25 करोड़ रुपए की राशि अभी दी जा चुकी है। सरकार वर्ष 2022 तक प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को 500 ग्राम
पर करना चाहती है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि सरकार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि 3 महीने में बंद होगी प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, देश के NGT और CPCB के निर्देश दिया है कि देश भर में नाजुक रूप से प्रदूषित या फिर गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में मौजूद प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री को 3 महीने के अंदर बंद किया जाए। NGT ने यह फैसला देते हुए कहा है कि आर्थिक विकास लोगों के स्वास्थ्य को दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। इस फैसले से सफेद और हरी यानी कि गैर प्रदूषणकारी इंडस्ट्री के संचालक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि ट्रिब्यूशन ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के निर्देश में यह कहा है कि परिस्थिति को सुधारने के लिए एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। NGT ने CPCB के 3 महीने के अंदर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। इस मामले में सुनवाई को लेकर के 5 नवंबर तक तारीख तय की गई है। NGT ने बैच में यह निर्देश दिया है कि इसे लाल और नारंगी कैटेगरी वाली इकाइयों को तब तक विस्तार नहीं किया जाएगा तब तक इसे प्रभावित क्षेत्रों का प्रदूषण स्तर कम करके इस सीमा के अंदर नहीं लाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि 3,000 रुपए की पेंशन के लिए अब तक 30 लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन, आप भी ले सकते हैं लाभ। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से फरवरी 2019 में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना लोगों को खूब भा रही है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों को 60 साल की आयु पूरी करने के बाद 3,000 रुपए की मासिक पेंशन का प्रावधान है। इसके क्या नियम है आप देख सकते हैं। योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर की इनकम 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट या फिर जनधन अकाउंट के पासपोर्ट और आधार नंबर होनी चाहिए। उम्र 18 वर्ष से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले से केंद्र सरकार की ओर से अन्य पेंशन स्कीम का भी फायदा नहीं उठा रहे हो। इस पेंशन स्कीम के तहत लाभार्थी को भी अंशदान करना होगा। जिसका अंशदान लाभार्थी देगा उतना ही हिस्सा सरकार उनके खाते में जमा कराएगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि मोदी सरकार की किसानों के लिए खास 6 स्कीम, घर बैठे उठाए फायदा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सामने 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना किसी चुनौती से कम नहीं। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह लक्ष्य रखा था। इसके बाद सरकार लगातार खेती किसानों को आमदनी पर फोकस कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए जिन प्रमुख योजनाओं पर फोकस कर रही है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनमें फसल बीमा योजना, कृषि में मशीनीकरण, जैविक खेती, स्वायन हेल्थ कार्ड और किसानों को बैंक से सीधे सहायता भेजी जा सकती है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला, खत्म किए 58 कानून और 137 कानून को खत्म करने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 58 कानून को खत्म कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में उस बिल को मंजूरी दे दी गई है जिसमें से प्रासंगिक खो चुके 58 कानून को खत्म करने की बात कही गई है। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में आवश्यक हो चुके 1924 पुराने कानूनों को खत्म करने के लिए काम शुरू कर दिया है। निरसन और संशोधन विधेयक 2019 को संसदीय मंजूरी मिलने के बाद अगले हिस्से में 137 कानून को खत्म किया जाएगा। जिन 58 कानून को खत्म किया जाएगा तत्काल उसकी सूची उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन सरकार ने सूत्रों का कहना है कि अधिकतर ऐसे कानून है जो प्रमुख और मुख्य कानून के संशोधन के लिए किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा द्वारा इसी तरीके के खत्म किए जाए यह एक अन्य कानून गंगा चुंगी कानून 1968 है जो गंगा के चलने वाली नौकाओं और स्टीमरों पर चुंगी वसूली करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि दोस्तों सावधान हो जाइए, IOC ने लोगों को किया अलर्ट, भूलकर भी न करें यह गलती वरना होगा लाखों का नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फर्जी नौकरी में आम लोगों को बचाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल ने चेतावनी जारी की है कि इंडियन ऑयल के ट्विटर पर यह जानकारी दी गई है जिसमें से कहा गया है कि कुछ लोग या फिर एजेंसी इंडियन ऑयल के नाम पर लेकर के फर्जी नौकरियां ऑफर कर रहे हैं, आम जनता उनकी बातों में न आए। इंडियन ऑयल का कहना है कि फर्जी एजेंसी या फिर लोगों को कंपनी पर फर्जी नौकरियां देने का दावा कर रही है जिसमें से लोगों से वो पैसे वसूल रही है। आपको बता दें कि कंपनी के मुताबिक लोगों को यह सूचना दी गई है कि इंडियन ऑयल की सभी वैकेंसी मुख्य प्रमुख और एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार डिटेल जॉब या फिर अन्य तरीके के वेबसाइट पर नहीं बल्कि उनकी सरकारी वेबसाइट पर यह डिटेल जारी की जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान को लगा है बड़ा झटका, अब इंटरनेशनल कोर्ट में केस हारने के बाद चुकाने होंगे 40,000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पैसों की तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान सरकार के खजाने अब और बोझ बढ़ाने वाला है।
दरअसल पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में एक बड़ा केस हार गया है। इसके तहत उसे 40,000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। आपको बता दें कि जुलाई महीने के शुरुआत में ही IMF ने पाकिस्तान को कंगाली से उबारने के लिए $6 अरब का बेल आउट पैकेज स्वीकार किया था, जिसमें से अब पाकिस्तान को बड़ी रकम केस हारने से चुकाने होंगे। आपको बता दें कि क्या मामला है। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड बैंक से जुड़े इंटरनेशनल कोर्ट सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिविजन के लिए बलूचिस्तान रेडो डिक खदान सौदे में रद्द करने पर पाकिस्तान को अब 5,97 अरब रुपए यानी कि करीबन 40,000 करोड़ रुपए उसको जुर्माना ठोक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आइए जान लेते हैं आज के पेट्रोल डीजल के ताजा भाव क्या रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, 5 महीने से सबसे ज्यादा महंगा हुआ पेट्रोल, फटाफट जाने आज के नया रेट क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई है। जहां दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल 8 पैसे तो कहीं दिल्ली में 12 पैसे और चेन्नई में 9 पैसे पेट्रोल लीटर महंगा हो गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग राज्यों के अलग अलग पेट्रोल के डीजल के दाम। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।